सभी ने कहा था कम से कम सामान रखो, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमें रूबी के यहाँ रुकना है और पता नहीं हमें कब यहाँ से भी निकल जाना पड़े। और तुम्हें इन जुगनुओं को अपने साथ लिया है। तेरे में जुगनू ही साथ देते हैं पिया, और इन जुगनू ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया था। हांश, मुझे सब याद है। रूबी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम और आंश यहाँ कंफर्टेबल हो कि नहीं। हम दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रूबी, तुमने हमें अपने घर में जगा दी। प्लीज आंश, मुझे थैंक यू कह के और पराया मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे तुम दोनों यहाँ बहुत सेफ रहोगे। मोना सोच भी नहीं सकती कि तुम यहाँ हो। और जब तक सावी तुम दोनों के लिए कोई सेफर प्लेस नहीं ढूंढ लेती, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। थैंक यू वंस अगेन। अब तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। कहा ना थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम दोनों ने मुझे ये समझाया है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। एनीवे, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये तो बच गए, ये दिया क्यों नहीं जला अभी तक? हाँ वैदेशी, दिया जल का ही नहीं राज। बाबे, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए होंगे? भाभी, दिया जल गया, इसका मतलब हंस और पिया दोनों ठीक। हम जा रहे हैं माँ, कब कहाँ होंगे हमें भी नहीं पता। पता होगा भी फिर भी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर आप लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। ये क्या है ये पिया? ये द्वित बाती है माँ, इसके जरिए हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। एक बाती मैं अपने साथ ले जाऊंगी और एक यही मंदिर में रहेगी। मैं रोज शाम 6 बजे अपना वाला दिया जलाऊंगी, और जैसे ही मैं अपना दिया जलाऊंगी, मंदिर वाला दिया अपने आप जल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ठीक हैं। रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है जो अंश और पिया सुरक्षित हैं। इस वक्त कोई
ऐसा भी वो देखो वो देखो वही वही है ना झंडे वाला घर। अरे जो पंडित जी बोले हैं कि पीआर अंश के लिए सेफ है। हाँ नम अरे हाँ 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 बिल्कुल ये वो घर है ये। मैं तुम वहां का रुक गई। अरे चलो यार चलना है। नहीं नमन मुझे इस जगह को लेकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। अरे लेकिन पंडित जी तो कहें कि सेफ है ये। मुझे नहीं लगता चलो यहाँ से। अरे मोहना वहां क्यों खड़ी हो अंदर आओ। तुम यही जानने आई हो ना कि अंश और पिया कहाँ है। और वो तो हमें भी नहीं पता। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि डरा धमका के तुम हमसे सब कुछ उगलवा लोगी तो कोई फायदा नहीं क्योंकि जब हमें नहीं पता वो लोग कहाँ है तो हम तुम्हें क्या बताएंगे। इसी बात पे मुंह मीठा करो। तू सच में इतनी बेवकूफ है या बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है चुटकी। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग अंश और पिया को अज्ञातवास में भेज दोगे तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। मैं तुम लोगों से उनका पता पूछने नहीं आई हूँ बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम लोग अंश और पिया को जितना छुपाना है छुपा लो। अंश और पिया जितना भागना चाहे भाग ले मैं उन तक पहुँच ही जाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा और अंश का खून का रिश्ता है। हमारे बीच रक्त बंधन है। जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पे गिरेगी मुझे पता चल जाएगा कि अंश कहाँ है क्योंकि खून खून को पुकार ही लेगा। इसी बात पे तुम मिठाई खाओ। खाओ। पिया आ जाओ मैंने तुम्हारे लिए एप्पल काट। अब अंश खून अंश तुम भी ना मुझे कहते मैं काट लेती कितना खून बह रहा है मैं भी हल्दी पेस्ट बना के लाती हूँ। क्या करें जाने दो ना और खून बहेगा। कौन सा खून ये वाला। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं मैंने तुम्हें नहीं डराया तुम खुद डर गए। या मैं दावंश हूँ तुम बार बार घबरा क्यों जाती हो। क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति की चिंता करना हर पत्नी का हक होता है। फिलहाल तुम पति की नहीं होने वाले बच्चे की चिंता करो और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें बात बात पर स्ट्रेस लेना बंद करना होगा। ओके पुकार लिया बेटे के खून ने माँ को पुकार लिया। लगता है मोना को पता चल गया अंश और पिया कहाँ हैं। भाभी हमें अंश और पिया को आगाह करना होगा। लेकिन कैसे हमें भी तो नहीं पता कि वो दोनों है कहाँ। अब जब पंडित जी बोल दिए थे कि वो घर सेफ है तो अंदर काहे नहीं गई। हाँ मैंने कहा ना मुझे उस घर को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अबे तुम पागल आगल हो का वो घर है ऋतिक रोशन थोड़ी ना है कि तुम मतलब उसको देखते ही तुम्हारे मन में फीलिंग आ जाएगी। घर को लेकर फीलिंग्स भी आती है और इंट्यूशंस भी लेकिन तुम नहीं समझोगे। अच्छा काहे नहीं समझेंगे भाई हमको बताओ तो। क्योंकि वो क्या है ना तुम एक नंबर के इडियट हो। अबे हमको तिलकू चच्चा समझियो का
जब देखो तब तुम हमको इडियट बोल देती हो, बेइज्जती कर रही हो तुम हमारा। तो थोड़ा तो हमारा लिहाज करो यार। मैं लगता है जैसे तुम्हारे पिताजी तुमको सिर्फ डाइंग हंटिंग ही सिखाए हैं, मैनर सिखाना भूल गए। अबे इज्जत कर लो थोड़ी, हमारी भी तुम्हारे पार्टनर हैं, ठीक है, न्यू कमर है, सीखने आए हैं। और घूरो मत, घूरना भी बैड मैनर्स होता है। हटो यहां से। काहे? अई हटेंगे हम। अरे हटो। अंशोपिया को तो पता भी नहीं है कि मोहना उनके पीछे आ रही है, और हम उन्हें बता भी नहीं सकते। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभी आप चिंता क्यों करती है? पिया दैविक है और अंश एक दावंश। भाभी रैन उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाभी चैताली तुम तो जानती हो ना पिया माँ बनने वाली है, इस साल में वो मोहना का सामना भी तो नहीं कर सकती। इसलिए कह रहा था कि अपना फोन साथ रख ले, कम से कम उन्हें फोन तो कर सकते थे, उन्हें हम ट्रैक कर सकते थे। लेकिन ये लड़का भी ना, मुझे मोना के पीछे जाना चाहिए था। हाँ, और क्या कर लेते आप उनके पीछे जाके? ना आप उन्हें रोक सकते हैं और ना आपकी गोलियां। हाँ, कम से कम ये तो पता चल जाता कि पिया और अंश है कहाँ। अब जो भी है अविनाश, हमें अब पिया और अंश को जल्द से जल्द आगाह करना है। लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें आगाह करें कैसे?